नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोबित पेडे में। दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास में हम 9th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। इसके हमने 4 क्लास की थी फर्स्ट चैप्टर की। अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस क्लास के बाद में एक बार फर्स्ट चैप्टर है वो जरूर देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल पे हमने मैथ की ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रखी है। अगर आपने मैथ की ऑनलाइन क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप मैथ की ऑनलाइन क्लास भी जरूर देखें। तो दोस्तों, अपने सेकेंड चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। दोस्तों, पदार्थ शुद्ध, इससे पहले हमने पदार्थ के बारे में फर्स्ट चैप्टर्स में बात कर ली थी कि पदार्थ होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा यह पदार्थ है या पदार्थ की ये कौन सी अवस्था है। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ठीक है, पदार्थ के कौन कौन से गुण द्रम होते हैं, इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप फर्स्ट चैप्टर है वो जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाहर से जो भी हमने खरीदा है, जैसे दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस, ये शुद्ध है या नहीं, क्योंकि इन सभी के ऊपर लिखा होता है कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ठीक है, शुद्ध जल। ये लिखा तो शुद्ध जल, शुद्ध घी लिखा हुआ होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में शुद्ध है या नहीं है, इस शुद्ध का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्या आपने इन खाने वाली सभी वस्तुओं पे शुद्ध नाम लिखा हुआ ध्यान से देखा होगा? जी, हमने जरूर देखा, ये सभी पे लिखा होता है कि वस्तु है वो शुद्ध है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हम यही तो सोचते हैं, हम घी लेकर आए तो उस पर सिद्ध लिखा हुआ है, तो शुद्ध का मीन्स क्या है कि इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ घी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध का मीन्स है ना मिलावट से नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध का मीन्स क्या होता है? तो वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तु है वो विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः वो क्या शुद्ध नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? उदाहरण के लिए हम दूध लेते हैं, दूध के अंदर आपका क्या क्या होता है? दूध के अंदर जल भी होता है, ठीक है, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होता है, यानी दूध इन तीनों से मिलकर बना होता है। यानी दूध के अंदर जल भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है, तो यानी जल दूध क्या इन तीनों का मिश्रण है। जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहते हैं ना, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस पदार्थ में जो सभी कण है वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ के लिए एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अर्थ क्या होता है कि कोई भी एक शुद्ध पदार्थ है तो इसका अर्थ क्या है कि वो पदार्थ है वो एक ही प्रकार के कणों से क्या है मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि उस पदार्थ के अंदर जो सभी के सभी जो कण है उनकी क्या समान रासायनिक प्रकृति है। आगे इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, एक समान कण कैसे हुए, ठीक है, समान रासायनिक प्रकृति कैसे हुई, इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि क्या ये मिश्रण है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। अभी दोस्तों हमने मिश्रण का बार बार जिक्र किया, मिश्रण की हम बार बार चर्चा करें, तो मिश्रण होता क्या है, मिश्रण का क्या अर्थ होता है, किसे मिश्रण कहते हैं, क्यों इसे मिश्रण कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये तत्व और यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। एक बार आप इतनी डेफिनेशन है वो आप पढ़ने की कोशिश करें कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल के अंदर दोस्तों आपका क्या क्या होता है कि अगर जल के अंदर सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड यानी अगर हम नमक को मिला देते हैं, ठीक है, नमक मिलाने के बाद में नमक का हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, आश्वासन विधि से इसको हम पृथक करते हैं या अलग करते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड के अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड शुद्ध पदार्थ कैसे है, जैसे एक नमक है, नमक के प्रत्येक कण दोस्तों आपको क्या दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे, यानी प्रत्येक कण एक समान होते हैं, ठीक है, इनकी प्रकृति भी एक जैसी होती है, रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, इनके समान होते हैं। यानी कि जो आपका नमक है वो नमक क्या होगा, एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, कैसे, क्योंकि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, वो समान है, और इसे भौतिक विधियों के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों के अंदर पृथक नमक को नहीं कर सकते, यानी सोडियम क्लोराइड को हम पृथक नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी क्या है, चीनी भी आपका एक पदार्थ है, ठीक है, चीनी क्या एक आपका ठोस पदार्थ है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था,
क्योंकि यह एक ही प्रकार का क्या है, शुद्ध अवयव। ठीक है, इसके यौगिक क्या होते हैं, समान रहते हैं। यानी आप चीनी का कोई भी एक दाना है वो लेकर देख लीजिए, ठीक है, उसका स्वाद, और आप फिर एक दूसरा दाना लेकर देख लीजिए, दोनों का स्वाद आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। इसका मीन्स क्या है, इसके अंदर जो सभी जो कण है ना वो क्या है, समान मात्रा के अंदर इनके अवयव उपस्थित है, यानी समान रासायनिक इनका गुणधर्म है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो आपके पेय पदार्थ होते हैं मिट्टी में एक समान कण है वो नहीं होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उसको क्या हो, अभिलाक्षणिक गुण है वो एक समान होने चाहिए। शुद्ध पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होने चाहिए, आपके एक समान होने चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, मिश्रण किस से मिलकर बना होता है, मिश्रण आपके एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। आपसे मिश्रण की डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछ ली जाए कि मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ यानी कोई तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, आप एग्जांपल के लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, मिश्रण का यानी जैसे जल के अंदर चीनी घुली हुई, ये भी तो क्या एक मिश्रण है। ठीक है, मिट्टी के अंदर कई प्रकार के कण होते हैं, एक समान थोड़ी ना होती, ये भी आपकी क्या होगी, एक मिश्रण हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मिश्रण के प्रकार यानी मिश्रण कितने प्रकार का होता है। अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कई प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप लेंगे। क्रियाकलाप फर्स्ट हम क्या करते हैं, 2.1 एक क्रियाकलाप लेते हैं। इसके अंदर हमने कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें चार समूहों में बांट दिया। एक समूह लिया हमने ए लिया बी, फिर तीसरा होगा सी, चौथा होगा अपना द समूह लिया। यानी इस प्रकार जो कक्षा के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें हमें चार समूह के अंदर बांट दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समूह ए को एक बिकर देंगे जिसके अंदर आपका क्या है, 50 ml यानी 50 मिलीमीटर जल है। ठीक है, और एक चम्मच हमें क्या देंगे, कॉपर सल्फेट का चूर्ण देंगे। यह तो हम क्या देंगे, समूह ए को ये सिस्टम दे देंगे, यानी कि एक तो क्या देंगे, बिकर के अंदर 50 ml यानी 50 मिलीलीटर जल दे देंगे। ठीक है, और क्या देंगे, एक चम्मच हम कॉपर सल्फेट दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो अपना समूह है बी है उसे हम क्या करेंगे, बिकर के अंदर 50 ml यानी 50 मिलीलीटर जल दे देंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट है वो क्या करेंगे, 2 चम्मच देंगे, 2 चम्मच उन्हें हम कॉपर सल्फेट दे देंगे। फिर जो अपना समूह सी और से और द है, इनको क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ये दे देंगे, लेकिन दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग देंगे। यानी कॉपर सल्फेट की एक की मात्रा ज़्यादा होगी, एक में कम होगी। इसी प्रकार एक को हम क्या कर देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा ज़्यादा दे देंगे, एक को हम कम क्या कर देंगे, कम दे देंगे। इस प्रकार दोस्तों कक्षा के छात्र थे उन्हें हमने चार समूह में बांट लिया, ए ए ब से और द, उन्हें हमें क्या किया, अलग अलग कुछ पदार्थ दिए। आगे हम देखते हैं क्या पृथक पृथक समूह को उनके अवयव को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। यानी कि हमने ए को हमने क्या दिया था, जल दिया था और कॉपर सल्फेट दिया था। इसी प्रकार इनको सभी को हमने जो जो सामान दिया है उनको हम बोलेंगे कि आप इन सभी को मिलाएं और मिलाकर क्या करें, मिश्रण बना लें। ठीक है, मिलाने से क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो इनके रंग और बनावट के आधार पर हमें क्या करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, समूह ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, समूह ए और बी को हमने क्या दिया था, समूह ए को हमने 50 मिलीलीटर जल दिया था ना। ठीक है, ए को तो हमने क्या दिया था, 50 ml तो हमने जल दिया था, 1 चम्मच आपका कॉपर सल्फेट दिया था। बी को हमने 50 मिलीमीटर जल दिया था और 2 चम्मच हमने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट दिया था। तो ए और बी को जो मिश्रण मिलता है, यानी इन्होंने दोनों को जो समान मात्रा में जो हमने दिया था समान, इनको मिला दिया। मिलाने के बाद में एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या आपकी समान है। यानी ए और बी का जो मिश्रण बना है इनकी बनावट समान है। तो यानी कि इस तरह के विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। यानी दोस्तों ए और बी है, इनका दोनों का मिश्रण क्या मिला है, समान बना है। ठीक है, तो जो भी मिश्रण आपका क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आपको डेफिनेशन है वो याद रखनी है, आगे मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल से बता दूंगा। इसी तरह के हम कुछ अन्य उदाहरण देते हैं, जैसे जल और चीनी, इनमें क्या करते हैं, जल के अंदर हम चीनी मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं। दोनों समूह के प्राप्त गोलों के रंगों की तुलना करते हैं। यद्यपि दोनों समूह के पास क्या था, कॉपर सल्फेट का गोल था, लेकिन उन गोलों के रंगों के लिए हम क्या करते हैं, पृथक पृथक दिखते हैं। यह दिखलाता है कि संगामी मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण होता है, वो भी क्या होता है, पृथक पृथक संगठन रख सकता है। यानी ये भी थोड़ा थोड़ा आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये तो बात हो गई दोस्तों समांगी मिश्रण को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें क्या दिया गया, और भी मिश्रण, एक मिश्रण हमने समूह सी और डी भी था हमारे पास। ठीक है, समूह सी और डी से जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है
उसके क्या होते हैं भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस प्रकार इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। अब क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में डेफिनेशन बता देता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी मिश्रण है, ठीक है, मान लीजिए हमने जल के अंदर चीनी घोल रखी है, तो ये अपना क्या एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, एक पदार्थ तो क्या आपका जल है, एक क्या है चीनी, तो यह क्या हो गया मिश्रण हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिश्रण समांगी है या विषमांगी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए आपके पास क्या करना है कि जो भी आपके पास मिश्रण है ना, उसके प्रत्येक भाग को आपको देखना है कि प्रत्येक भाग के जो पदार्थ जो अवयव है ना, उनके संगठन और गुण समान है क्या। अगर समान है तो मिश्रण क्या हो जाएगा आपका, समांगी मिश्रण हो जाएगा। यानी जो हमने जल के अंदर चीनी मिला रखी है, इसका एक भाग आप अलग कर लीजिए, एक भाग अलग कर लीजिए, दोनों को आप देखिए कि दोनों का आपको समान दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। दोनों के अवयव संगठन है ये आपको समान दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्योंकि आप इस चीनी मिला रखी है तो इसका स्वाद अब आपको एक समान मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी ऐसा इसका भाग है वो देख लीजिए, दोनों को दोनों आपको क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। इसका मीन्स क्या हो गया कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयव पदार्थ का संगठन और गुण समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी के अंदर हमने जल मिला रखा हो, जल के अंदर हमने क्या कर रखा हो, नमक मिला रखा हो, ठीक है, ये आपकी क्या है, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम विषमांगी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ और जो संगठन है इनका गुण धर्म है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी एक समान ये नहीं होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो हम सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिलन मिला दें, ठीक है, नमक और सल्फर मिला दें, जल और तेल है, दोस्तों ये क्या कभी भी आपके मिलेंगे नहीं, आपस में दोस्तों घुलते नहीं है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्रियाकलाप और लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास के जो छात्र है उन्हें वापस इसी प्रकार चार भागों में बांटते हैं, चार समूह बना देते हैं, ए ब से और द में। प्रत्येक समूह को नीचे तौर पर नमूना दिए गए, उनमें से हम एक दे देंगे। ए को हम कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देंगे, ठीक है। बी को हम एक चम्मच कॉपर सल्फेट देंगे, इसे तो हम क्या किया था कि कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दिए थे, कुछ कण दे दिए थे, इसे हमने क्या किया, एक चम्मच दे दिया। सी को हम क्या करते हैं, चोक या चूर्ण या गेहूं का आटा दे देते हैं, ठीक है। डे को हम क्या करते हैं, दूध या सही के कुछ बूंदे दे देते हैं, ठीक है। हम आगे करते हैं कि छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से हम क्या करते हैं, नमूनों को जल में मिलाने को कहते हैं, यानी कांच की छड़ से क्या करते हैं, जिन्हें इन्हें जो जो हमने सामान दिया वो उन्हें क्या बोलेंगे कि आप इन्हें जल में मिलाइए, क्या जल के कण आपको दिखाई देते हैं, ये हमें देखना है। अब टॉर्च से प्रकाश की किरणों को बिकर पर डालेंगे, यानी हम टॉर्च की रोशनी है वो क्या करेंगे, बिकर पर डालेंगे और उसके सामने से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या प्रकाश की किरणें एक मार्ग दिखा पाती है या नहीं, ठीक है। अब मिश्रण को कुछ समय तक हम शांत छोड़ देंगे, जो भी हमारा मिश्रण उसको हम शांत छोड़ देंगे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरणों को हम तैयार कर लेंगे जिससे हमें मिश्रण छानना है, क्या मिश्रण स्थिर है या मिश्रण स्थिर है या नहीं है, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं या नहीं होते है। मिश्रण को छान लें, क्या छनक पात्र के ऊपर कुछ शेष बचता है या नहीं बचता। कक्षा में परिणामों पर हमें चर्चा करके इसका क्रियाकलाप है वो एकमत बनाने की प्रयास करना है, ठीक है। दोस्तों जो हमने समूह ए और बी को दिया था इससे हमें क्या मिलता है, एक विलयन मिलता है, ठीक है। जो हमने समूह को सी दिया था उससे क्या मिलता है, एक निलंबन मिलता है, ठीक। और जो हमने समूह डी को दिया था इससे क्या बनता है, आपका कोलाइड विलयन बनता है। तभी दोस्तों हम बात करें कि विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन ये क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये विलयन है या निलंबन है या कोलाइड विलयन है, ठीक है। चलिए हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि हम अब पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है, ठीक है, निलंबनों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कोलाइड विलयन क्या होते हैं। इससे पहले दोस्तों हमें दो पदार्थ, दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से इसके बारे में बताया, कोई भी आपको इससे संबंधित फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद में आपका डाउट नहीं रहेगा कि पदार्थ क्या होता है या पदार्थ से आप क्या समझते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में मैंने आपको अभी भी डिटेल से बताया है, आपके बुक के अलावा भी मैंने और डेफिनेशन से आपको इसे समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक, आप बैक जाकर इसको आराम से देखें कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि विलयन क्या होता है, ठीक है, किसे हम विलयन कहते हैं, हम क्यों इसे विलयन बोलते हैं। तो दोस्तों
दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है आपका? विलयन है दोस्तों, वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। आज प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, जैसे आप क्या क्या देखते हैं? नींबू जल देखते हैं, सोडा जल देखते हैं, आदि क्या विलयन के उदाहरण है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचारते हैं, यानी हम सोचते हैं कि जो विलयन है वो हमेशा क्या होता है? आपका तरल पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका ठोस भी होता है, द्रव या गैस से भी मिलकर बनता है, ठीक है। प्रकृति में ठोस विलयन यानी मिश्र धातु होगी, ठीक है। गैस विलयन यानी आपका वायु भी। दोस्तों ये आपका क्या होता है? विलयन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तरल होता है, ये आपका ठोस भी होता है और ये आपका गैस विलयन भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। समांगिता मतलब क्या होता है? इसके जो मतलब पदार्थ के अंदर जो प्रत्येक संगठन है ना, विलयन के अंदर क्या होंगे? समान होंगे। उदाहरण के लिए आप क्या करें कि नींबू जल का स्वाद क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। आप नींबू जल का स्वाद हमेशा प्रत्येक भाग का क्या होता है? समान होता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन के अंदर चीनी और नमक के कण वो समान रूप से वितरित है, यानी समान रूप से इस पूरे पदार्थ के अंदर वो फैले हुए हैं, पूरे विलयन के अंदर वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों विलयन के बारे में कि विलयन होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु क्या होती है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण से होता है, ठीक है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण से होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में हम क्या नहीं कर सकते? पृथक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को क्या मानते हैं? मिश्रण मानते हैं, क्योंकि ये अपने संगठनों के क्या करते हैं? गुण को दर्शाते हैं। जैसे पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल है। पित्तल के अंदर दोस्तों क्या होता है कि 30% तो आपका जिंक होता है, 17% आपका क्या होता है? कॉपर होता है। यानी इसके अंदर क्या है? दो अलग अलग तत्व है, ठीक है। एक तो आपका क्या है? जिंक है। एक क्या है? कॉपर है, ठीक है। तो यानी कि दो संगठनों से मिलकर बना होता है, लेकिन होता क्या है? एक ही होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किसी विलयन के दो भाग होते हैं, ठीक है। जब हमने विलयन की बात की थी, इसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो क्या होता है? आपका विलायक होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? विलायक होता है। एक आपका क्या होता है? विलेय होता है। आप इसको सरल भाषा में समझे, जब भी विलायक की बात की जाएगी, ठीक है, विलयन के अंदर, विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के अंदर क्या क्या होता है? एक तो विलायक होता है और एक क्या होता है? आपका विलेय होता है। विलायक दोस्तों बड़ा नाम है, तो इसलिए हमेशा क्या होगी? इसकी मात्रा वो ज्यादा होगी। विलयन के अंदर विलायक बड़ा है ना, बड़ा नाम है, इसलिए इसकी क्या होगी? मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। विलेय दोस्तों क्या आपका? छोटा नाम है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ज्यादा मात्रा में कौन होगा? विलायक होगा। कम मात्रा में कौन होगा? विलेय होगा। कैसे पता चलेगा दोस्तों? ये बड़ा विलायक है ना, तो इसलिए ज्यादा मात्रा में क्या होगा? विलायक होगा। और सबसे कम मात्रा में क्या होगा? विलेय होगा। यानी कि जब भी विलयन की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है, ठीक है। विलेय क्या होता है दोस्तों? ज्यादा मात्रा में होता है। और विलेय क्या होता है? विलायक क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। विलेय क्या होता है? कम मात्रा में होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं और थोड़ा सा आप बुक के डेफिनेशन से देख लीजिए कि विलयन का वह घटक है जो कि दूसरे घटक को क्या करता है? विलयन में मिलाते हैं, या जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। यानी दो भाग होते हैं, एक तो विलय होते हैं, एक विलायक होता है। विलायक क्या होगा कि जिसकी दूसरे से अधिक मात्रा होगी, यानी ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा? अपना विलायक हो जाएगा। और जो अपना कम मात्रा में होगा वो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है, वो याद है आपको रखनी है। नेक्स्ट इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस पदार्थ में, किस मिश्रण के अंदर कौन सा विलायक है, कौन सा नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं? चीनी और जल का एक विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी कि हमने क्या किया? जल के अंदर चीनी मिला रखी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक तरल घोल के अंदर ठोस है। चीनी ठोस होती है, ठीक है। जल क्या है? अपना तरल है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? तरल के अंदर ठोस मिला रखा है। तो चीनी क्या है? विलय है। दोस्तों चीनी क्या है? मान लीजिए कि इतना सारा जल था, जल के अंदर हमने क्या कर दी? इतनी सारी चीनी है वो मिला दी, ठीक है। तो ज्यादा कौन है दोस्तों? ज्यादा आपका क्या है? इसमें जल है। जो भी ज्यादा मात्रा में होगा वो तो क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। तो यानी जल क्या है? आपका विलायक है, ठीक है। इसमें कम क्या है? चीनी है। चीनी कम मात्रा में है तो चीनी क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? आपका विलय होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे बोल दिया जाए कि टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, तो दोस्तों आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी बोलते हैं। इसके अंदर आयोडीन तो क्या है? विलय है। और एल्कोहल क्या है? विलायक है। यानी इसके अंदर एल्कोहल तो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में रहेगा,
और आयोडीन है वो क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। तो जो कम मात्रा में होगा वो विलय हो जाएगा और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा। तो विलायक क्या हो जाएगा इसके अंदर, एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो वातयुक्त पेय है, जैसे सोडा जल हो गया, कोक हो गया, यानी जो आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या जो सोडा वाटर हो गया, ये है ना दोस्तों, ये भी क्या है आपके विलयन के उदाहरण है। लेकिन इसमें कौन सा क्या होता है, ठीक है, तो इसमें तरल विलयन में गैस के रूप में, ठीक है, इसमें क्या मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। जो भी आपके पेय पदार्थ और होते हैं इनके अंदर क्या करते हैं, गैस के रूप में हम क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है तो यह क्या हो जाएगी, आपकी विलय हो जाएगी। और इसमें जल क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जल क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। अभी दोस्तों हम विलयन के उदाहरण देख रहे हैं कि इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, यानी कि एक तो विलायक, विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। हम देख रहे हैं कि हमें कुछ संगठन दिए गए, इन्हें हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा विलय है कौन सा विलायक है, तो हम वही देख रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि वायु गैस में विलयन का क्या होता है, गैसों का विलयन होता है। यह मुख्यतः दो घटकों का, ऑक्सीजन यानी वायुमंडल के अंदर आपकी ऑक्सीजन क्या 21% है और नाइट्रोजन क्या आपकी 78% है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है तो नाइट्रोजन तो क्या हो जाएगी आपकी, विलायक हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन तो आपकी क्या हो जाएगी, विलायक हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या कम मात्रा में है तो ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा कि विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो दोस्तों यही था मैंने आपको बता दिया कि वायु है वो तो क्या आपकी विलायक है, और वायु के अंदर जो कम मात्रा में होता है ना, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयन के गुणधर्म की, यानी कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि विलयन है दोस्तों क्या होता है, संगामी मास, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मीन्स क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक अवयव के घटक वो क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। तो इसलिए विलयन क्या एक समांगी मिश्रण है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी विलयन की बात आए तो आपको समझ जाना है कि विलयन की बात की जा रही है, तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विलयन के कणों में व्यास वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर यानी 10^9 मीटर होता है, इससे भी छोटा होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलने नहीं देते हैं, जिससे विलयन में प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। यानी कि आपका एक विलयन हो गया, यानी कि जल है, जल के अंदर हमने क्या कर रखा है, चिन्नी गोल रखी है, जल के अंदर चिन्नी गोल रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक विलयन हो जाएगा। इसमें विलायक तो आपका क्या होगा, जल होगा, विलय क्या होगा, इसमें चिन्नी हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसके अंदर जब भी उससे प्रकाश होकर गुजरेगा ना, तो प्रकाश गुजर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे ये प्रकाश की किरणें वो फैल नहीं पाती है, और जिसके कारण हमें ये प्रकाश का मार्ग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे बोला जा रहा है कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक है वो नहीं किया जा सकता, यानी छानकर आप इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। आप छानकर वो नींबू पानी में दोस्तों आप चीनी और पानी अलग अलग कर सकते हो क्या, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपने नींबू पानी को कहीं पर रख दिया एक दिन दो दिनों के लिए, तो इसमें पानी पानी ऊपर आ जाएगा, चीनी चीनी नीचे चले जाएगी, ऐसा भी कभी भी नहीं होता है। तो यानी कि आप नए तो इन्हें छान कर अलग कर सकते हैं, नए आप इन्हें शांत छोड़कर अलग कर सकते हैं। तो यानी इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आपका विलयन बनता है हमेशा हमेशा क्या होता है आपका, स्थायी होता है, ठीक है। ये जो भी बन जाता है, यानी कि एक बार आपने चीनी के अंदर, पानी के अंदर चीनी मिला दी, तो ये आपकी हमेशा के लिए स्थायी होगी, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इसे छलनी से छान कर अलग कर ले, चीनी को अलग कर लिया, ठीक है, पानी को अलग कर लिया, ठीक है, या आपने कहीं पर रख दिया और धीरे 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 पानी ऊपर आ जाएगा, चीनी नीचे चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो विलयन होगा ये आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, ये हमेशा और हमेशा क्या होता है आपका, स्थायी होता है। ये प्रकाश के मार्ग को दिखाई नहीं देता, प्रकाश के मार्ग से जाने नहीं देता, क्योंकि इसके कण बहुत बहुत छोटे होते हैं, इसे हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, इसके कण वो छोटे छोटे होते हैं। तो ये दोस्तों विलयन के गुण हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों आगे के जो चैप्टर है उसको हम चर्चा कर लेंगे, जैसे विलयन की सांद्रता के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी और भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगी, तो उन्हीं के बारे में हम क्या कर लेंगे, आगे हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कोलाइड क्या होता है, ठीक है, निलंबन क्या होता है, इनके बारे में भी नेक्स्ट हम चर्चा कर लेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मैथ की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप मैथ की क्लास है वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप चैप्टर फर्स्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार की एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।